आपका भी यही मानना है इग्नू में मार्क्स लाना मुश्किल है? इग्नू एग्जाम बहुत टफ होते हैं, सो ऐसा नहीं है। आप कैसे इग्नू एग्जाम में 80% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? आप अगर सही तरीके से प्रिपरेशन करते हैं तो आप डेफिनेटली 80% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। पूरा एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, विद प्रूफ मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, अपना ग्रेड कार्ड, मार्कशीट और साथ ही साथ किस तरह से मैंने प्रिपरेशन की और ये मार्क्स मैंने स्कोर किए। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप सभी चीजों का पूरा फायदा उठा पाएंगे। सो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, आप कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी स्किप नहीं करेंगे। सो इग्नू में मार्क्स लाना बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप सही तरीके से प्रिपरेशन करते हैं तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको शो कर रही हूँ अपना ग्रेड कार्ड, आप देख सकते हैं मैंने अपना ग्रेड कार्ड कंप्लीट कर लिया है और किसी भी थ्योरी एग्जामिनेशन में मैंने रीअपियर नहीं किया है। सो सारे मार्क्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन आपके सामने हैं, असाइनमेंट्स के मार्क्स भी आप देख सकते हैं और थ्योरी एग्जाम्स के मार्क्स भी आप देख सकते हैं। सो आप भी इसी तरह से बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, चाहे आप मास्टर्स डिग्री या फिर बैचलर्स डिग्री के स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपका जो प्रोग्राम है उसके लिए आपको फ्रेंड्स आपको अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स स्टडी करने हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको इग्नू की वेबसाइट पर मिल जाते हैं, इग्नू खुद जानता है ये कितने इंपॉर्टेंट है, इसीलिए टाइमली इग्नू की तरफ से ये पोर्टल अपडेट किया जाता है। दिसंबर 2023 टर्म एंड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर्स भी पोर्टल पर अपडेट कर दिए गए हैं, सो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आपको पास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स तो स्टडी करने ही हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक क्वेश्चन पेपर ओपन किया है आप सभी के लिए, आप यहाँ पर देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं BNS 184 की, सो आप यहाँ पर देखिए 50 मार्क का ये एग्जामिनेशन है जिसमें आपको सभी कुछ बताया गया है। इस तरह से आपको बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी ओपन करना है, एनालाइज करना है और आपको मार्क करने हैं इम्पॉर्टेंट यूनिट्स। आप यहाँ पर देखिए, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपको दोनों क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन पेपर्स होते हैं एंड देन यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन कर हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। अगर हम बात करें इस कोर्स कोड की तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जनरली रिपीट होता है, हर बार आपसे डिफरेंट स्टाइल में पूछा जाता है। सो अगर आप पास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स कर लेते हैं तो 50% प्रिपरेशन आपकी हो गई। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है आप किस तरह से अपने आंसर्स को लिखते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको कितनी नॉलेज है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आपको अपने आंसर्स को बेस्ट एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि आप कितना जानते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं तो या तो उसमें आपका इंटरेस्ट है या फिर आपने वो पहले पढ़ा हुआ है, दोनों ही सिचुएशन में आपको हर एक टाइटल, हर एक सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होती है। ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है जिसके बारे में आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो भी फ्रेंड्स आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता होगा, सो आप उसको बिल्कुल अटेम्प्ट करें। आप सेकंड पॉइंट आप जरूर ध्यान रखें कि आप किस तरह से आंसर्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आपसे आंसर में डेफिनेशन नहीं भी पूछी गई है तब भी आप डेफिनेशन को लिखिए और अपने आंसर को स्टेप बाय स्टेप लिखिए। पैराग्राफ में लिखने की जगह आप पॉइंट्स बनाइए, बुलेट पॉइंट्स में अपने आंसर्स को लिखिए। सो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, आपको कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है आपको जरूर उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा जो आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा या जिसके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। सो अगर आपके सामने ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप घबराएं नहीं, आप अपने आंसर्स को जरूर लिखें, कुछ ना कुछ आपको उसके बारे में जरूर पता होगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी करने हैं, आपको सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, आपको जितनी नॉलेज है आप उसको बेस्ट वे में प्रेजेंट कीजिए, अपने आंसर्स का बेस्ट एग्जीक्यूशन कीजिए, बिकॉज आपको कितना आता है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप किस तरह से अपने आंसर्स को लिख रहे हैं, क्या उसके फायदे हैं, नुकसान है, जो भी आपको पता है आप वो जरूर लिखें, बट वर्ड लिमिट का भी जरूर ध्यान रखें क्योंकि आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उनमें ज्यादा समय देकर आपको लास्ट वाले क्वेश्चंस के लिए समय ना बचे, सो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, तो आप उसका भी जरूर ध्यान रखें। सो इन सभी टिप्स को फॉलो करते हुए फ्रेंड्स मैंने अपने एग्जामिनेशन में ये मार्क्स स्कोर किए हैं जो आप सभी के सामने स्क्रीन पर है और आप भी डेफिनेटली इन्हें स्कोर कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कोई मुश्किल की बात नहीं है। फ्रेंड्स नाउ लेट मी शो यू द बुक्स, जिन बुक्स से मैंने स्टडी की एंड दे वर रियली हेल्पफुल टू मी, मैंने कुछ ही समय में बहुत अच्छी तैयारी इन बुक से की है, सो लेट मी शो यू नाउ। ओके सो ये बुक्स आप देख सकते हैं, इन बुक्स से मैंने प्रिपरेशन की है अपने एग्जामिनेशन की और ये बुक्स मैंने परचेज किए थे गुलीबाबा.com से। अपने लिए सभी ईएस की बुक मैंने गुलीबाबा.com से ही परचेज किए हैं
और इन बुक्स ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की है अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की जैसे अभी बात की मैंने आपसे, तो मुझे इसी बुक में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इंक्लूडेड मिले। साथ ही साथ मुझे इन बुक्स में गेस्ट पेपर्स भी मिले जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प की अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और अच्छे से करने में। सो ये सभी बुक्स अवेलेबल है gulibaba.com पर, आप भी परचेज कर सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पर। पॉकेट फ्रेंडली बुक्स है, आप भी इन्हें जरूर स्टडी करें एंड आई एम होपिंग कि आपको ये टिप्स जरूर हेल्प करेंगी और आप भी अपने एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। नाउ आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।